मध्य प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष भोपाल के गांधी भवन में जुटे जिला पंचायत सदस्यों ने प्रदेश स्तरीय संगठन बनाया। भोपाल के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर प्रदेश संयोजक और जिला पंचायत सिंगरौली के उपाध्यक्ष अर्चना सिंह को प्रदेश संयोजक बनाया गया। ये सभी पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए सीएम हाउस रवाना हुए। इनकी मांगों में मानदेय बढ़ाने, विकास कार्यों में सदस्य की अनुशंसा अनिवार्य करने, विकास के लिए सदस्य निधि देने प्रमुख है। इनका कहना है अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो जिला पंचायत परिसरों में प्रदेश स्तरीय तालाबंदी आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में 875 जिला पंचायत सदस्य हैं जो पंचायत व्यवस्था में अपने अधिकारों और अनदेखी से नाखुश हैं। ये आश्वासन दिया है कि मैं जो आपका ज्ञापन है वो सीएम साहब तक भेज दूंगा, लेकिन हम लोग जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य और सभी सरपंच मध्य प्रदेश के, हमने 15 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया है। अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को लेकर उन्होंने मांगे हमारी नहीं मानी या हमें किसी चीज की जानकारी नहीं दी तो हम लोग सारे, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो, और सारे जनपद सरपंच जिला पंचायत के मिलकर के हम ताला लगाने का काम करेंगे जिला पंचायतों में, जनपदों में, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर मध्य प्रदेश। गाँव की सरकार गाँव के हाथ में होना चाहिए। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, क्योंकि सत्ता, ये हम जानते हैं, पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव कराओ, ये तो लगातार 3 साल से टालते आ रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा तब चुनाव हुए, जैसे तैसे चुनाव हुए, अब उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो पूरा मैं कह सकता हूँ 23 के चुनाव में तो बंटाधार कर देंगे, इनका नेस्ताभूत हो जाएंगे, कहीं से कहीं तक सरकार नहीं बनने देंगे।